इन एनी कंपनी अगर आपको सैलरी कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट सैलरी ऑफ एनी एम्प्लॉय, सबसे पहले होता है बेसिक पे। उसको जितना मिनिमम जो पे मिलने वाला है उसको बोलते हैं बेसिक पे। इस बेसिक पे में आपको ऐड करना है HRA, हाउसिंग रेंटल अलाउंस, ये उसको मिलने वाला है। उसके बाद प्लस करेंगे DA, डीएरनेस अलाउंस अगर है तो, और प्लस TA, ट्रैवलिंग अलाउंस, प्लस रिम्बर्समेंट एक्सपेंसेस, रिइम्बर्समेंट ये मिलता है उसको। तो ये सब ऐड हो जाएगा। और डिडक्शन में क्या आएगा, देखो डिडक्शन, डिडक्शंस ये कट हो जाएगा। डिडक्शन में पहला आता है लीव, उसने कितने लीव लिए हैं, लीव का पैसा माइनस हो जाएगा। उसके बाद ESIC का पैसा माइनस हो जाएगा, माइनस PF माइनस होता है। तो ये सब करने के बाद जो आपको पैसा मिलता है वो आपका होता है सैलरी। तो ये होता है एडिशन। तो सपोज इसका पैसा हो रहा है 10,000 रुपीज़ एडिशन का, माइनस इस सारों का पैसा हो रहा है 3,000 रुपीज़। तो 10,000 माइनस 3,000 आपको मिल जाएगा 7,000 रुपीज़ इन हैंड। इस तरह से ये कैलकुलेट होता है। तो अगर आपको इधर कैलकुलेशन करना है, राइट हियर हम जाते हैं शीट में हमारे, ये हमारा शीट है जहाँ पे आपने ये कैलकुलेट किया था। ये देखो बेसिक है, HRA है, ट्रैवलिंग अलाउंस है, टोटल सैलरी पेएबल का एक कॉलम है इधर। तो इधर जो भी आपने लिखा था उसको डिलीट करना है, ऐसे डिलीट। अब ये तो एडिशन होने वाला है राइट, तो मैं यहाँ पे फंक्शन यूज करूँगा इक्वल सम फंक्शन। ये सम फंक्शन सिलेक्ट कर दिया, ये ऑटोमेटिकली ले रहा है। देखो फिर भी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। पहले सम फंक्शन, बेसिक पे, HRA एंड TA, ये आपके सैलरी में ऐड होता है। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट कंप्लीट कर देता हूँ और एंटर कर दिया। तो मुझे पहला 20,306 मनोहर मनोज सरदेसाई का ये सैलरी है, ऐड हो गया। इसको ऐड कर नीचे ड्रैग कर देते हैं ऐसे, तो सबका सैलरी ऐड हो गया। अभी मुझे करना क्या है, डिडक्शन चेक करने, डिडक्शन माइनस क्या क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ESIC, ये वाला पैसा माइनस होगा, और एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन ये 230 रुपीज़ ये माइनस होगा, इसको आप कैलकुलेशन में मत लो, एम्प्लॉयर वाला एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस हो जाएगा। तो माइनस के साथ साथ अभी देखो इधर रिम्बर्समेंट भी है, ये भी ऐड होने वाला था ठीक है। तो टोटल सैलरी अगर आपको कैलकुलेट करना है, इधर टोटल सैलरी कैलकुलेट करना है पेएबल, तो आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले इक्वल सम फंक्शन लेना है, सम, ये आपका जो टोटल सैलरी अभी अभी कैलकुलेट किया था ये, कॉमा आपका ये जो रीइंबर्समेंट है अगर है तो, इनका एडिशन होता है। टोटल सैलरी और रिइंबर्समेंट आपको मिलता है, उसके बाद माइनस ESIC माइनस होता है तो इसको माइनस करना है, उसके बाद माइनस PF, जब आप एंटर करोगे तो आपको मिलता है उसका सैलरी, या ऑटोमेटिकली फिल करना है ठीक है। तो अगर ये समझ में आया है, नहीं आया तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। देखो ये आपका इस तरह का टेबल है ऐसे ठीक है। तो ये टोटल सैलरी पेएबल वाला एक अमाउंट था, मैंने बोला है कि बेसिक पे और HRA एंड TA तीनों आपको मिलते हैं। तो इधर इसका एडिशन हो जाएगा इक्वल, एडिशन करने के लिए हम सम फंक्शन यूज करते हैं। तो ये सम फंक्शन यूज कर दिया, बेसिक सैलरी, HRA एंड ट्रैवलिंग अलाउंस, ये तीनों ऐड हो जाएंगे, तो TA इधर आ गया ठीक है। अब इसके साथ साथ देखो ये तो ऐड हो जाएगा, इसको एंटर करके लेता हूँ। जैसे मैंने एंटर किया इसको क्लिक कर देता हूँ तो सब लोगों का एडिशन इधर आ जाता है। इधर इतना क्यों आ रहा है एक्स्ट्रा, फिर से चेक करते हैं। इधर आपको इज इक्वल टू सम फंक्शन, SUM, ये सम फंक्शन है, सम फंक्शन सिलेक्ट कर दिया। ये देखो बेसिक पे, HRA और ट्रैवलिंग तीनों साथ में सिलेक्ट कर दिया, C25 to E25, ब्रैकेट कंप्लीट कर देते हैं एंड एंटर। तो ये आपका 20,000 रुपीज़ उसका जो उसको मिलने वाला है, एडिशंस हो गए। अब इससे माइनस क्या क्या होगा ये आपको चेक करना है। माइनस होगा ESIC एंड एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, ये माइनस होने वाला है, और रिइम्बर्समेंट तो उसको मिलने वाला है। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये जीरो है ऐसे,
उस महीने में उसको कुछ नहीं मिलने वाला, जिसको मिलने वाला है इस तरह से आ जाएगा, ये देखो। तो मैं क्या करूँगा, अगर टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है उसके सैलरी का, उसके लिए पहले इक्वल सम फंक्शन फिर से लूँगा, ऐसे सम फंक्शन सिलेक्टेड, पहले ये जो टोटल सैलरी पेएबल है इसको सिलेक्ट कर लो, कॉमा, और क्या चाहिए मुझे, ये जो रिम्बर्समेंट में जितना भी पैसा है ये उसको मिलने वाला है, उन दोनों का एडिशन करो, ब्रैकेट कंप्लीट, ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद माइनस, माइनस होता है ईएसआईसी का पैसा माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा ये पीएफ का पैसा, तो दो चीज़ें आपको माइनस करनी है, एंटर करोगे तो आपको ऐसे सैलरी उसकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी इस तरह से। और अगर आपको ये सब लोगों का बेसिक पे कितना होता है आपको फाइंड आउट करना है, तो इधर आप टोटल निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पे टोटल लिखा, ऐसे टोटल आप सब लोगों का टोटल पे कितना होता है ये फाइंड आउट करने के लिए सम फंक्शन यहाँ यूज़ करो, सम फंक्शन ये सिलेक्ट कर दिया, सम और सारे वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लो, ऐसे ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया, एंटर। और अगर आप फील हैंडल से इसको इधर ड्रैग कर लेते हो ऐसे, तो आपको मिल रहा है कि बेसिक पे सब लोगों का इतना है, एचआरए हम टोटल इतना दे रहे हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस कंपनी का इतना खर्चा हो रहा है, ईएसआईसी का जो पैसा कट होता है तो 5,000 रुपीज़ है फॉर ऑल, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन का इतना पैसा है, सो यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, कंपनी कितना पैसा जा रहा है, इस महीने में रिम्बर्समेंट का कितना पैसा दिया है कंपनी ने, ये इधर आ रहा है, और टोटल सैलरी इधर इतना जा रहा है, तो हर एक एम्प्लॉय का सैलरी इस तरह से कैलकुलेट होता है।